ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट योर 10th चैप्टर विच इज सिमेट्री। आज हम इसमें क्या क्या देखेंगे? आज देखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, ज्योमेट्रिकल सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, अल्फाबेटिकल सिमेट्री एंड क्रिएटिंग सिमेट्रिकल शेप्स। ओके सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री इज एन इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट कॉमनली सीन इन नेचर। इट इज यूज इन एवरी फील्ड ऑफ अवर लाइफ। आर्टिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स एंड अदर मेक यूज ऑफ द आइडिया ऑफ सिमेट्री। ओके, leaves, flowers, cloths, mats, handkerchiefs and utensils have the symmetrical design. Symmetry is the balanced distribution of duplicate shapes. Okay, so let's see what's the line of symmetry. If a figure can be drawn on a paper in a such way that its shape paper is folded in a half, the two half of the figure exactly cover each other. Okay, yahan pe hume kya bataya ja raha hai कि अगर हम किसी फिगर को एक पेपर में ड्रॉ करते हैं और उसके मिड पॉइंट से फिगर पेपर को फोल्ड इस तरह से फोल्ड करते हैं कि फिगर एग्जैक्टली एक दूसरे के को कवर कर लेता है, तो दिस विल कॉल्ड द शेप इन सिमेट्री। ओके, सच टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड लाइन सिमेट्री। द लाइन ऑफ फोल्ड इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सेस ऑफ सिमेट्री। For example, a kite can be folded down from the middle and the two half cover each other. अगर हम किसी kite को किसी mid point से एक mid point से fold करते हैं तो उनके दो other half part एक दूसरे को exactly cover कर लेते हैं, तो ये हमारा होता है line of symmetry. The following picture can show man-made objects and some found in nature which are symmetrical. आप यहाँ पे कुछ pictures आपको दी गई हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है? Now let's see line of symmetry of two points. Take two points PQ. We need to draw a line such that Q in the mirror image of P. Okay, हम एक PQ line ऐसे draw करते हैं कि Q इसका mirror image हो, मतलब दोनों mirror image कब होंगे? जब दोनों part equal होंगे. Okay, then will be the mirror image. Okay. यहाँ पे हमें कह दिया गया है इन अ मिरर इमेज ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन क्लियरली द लाइन शुड बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पॉइंट। ठीक है, यहाँ जो लाइन है हमारी वो मिड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगी। इन ऑर्डर टू डू दैट जॉइन पी क्यू एंड देन ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू लेट इट बी ए बी। हमने यहाँ पे पहले तो ये पी क्यू को ज्वाइन किया, फिर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिसको हमने ए बी नेम दिया। ओके, नाउ लेट्स मूव। वी कैन इवन ऑब्जर्व दैट एवरी पॉइंट ऑन लाइन ए बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। थस द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ शेप्स दिए गए हैं। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स सच दैट द डॉटेड लाइन इन द लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उनको करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेट्स सी द अल्फाबेटिकल सिमेट्री। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल सिमेट्री दी गई है कि जो सारे अल्फाबेट्स हमें ए टू जेड दिए गए हैं उसमें कौन कौन कैसी सिमेट्री है। ए में वर्टिकल है, बी में हॉरिजॉन्टल है, सी में भी हॉरिजॉन्टल है, डी में भी हॉरिजॉन्टल है, ई में भी हॉरिजॉन्टल है, बट एफ एंड जी में कोई सिमेट्री नहीं है। इसी तरह से यहाँ कुछ लेटर्स हैं जिनमें कोई सिमेट्री नहीं है, जैसे यहाँ पे जे है, जे में कोई सिमेट्री नहीं है, एल में कोई सिमेट्री नहीं है, पी एंड क्यू में कोई सिमेट्री नहीं है, आर बी में कोई सिमेट्री नहीं है, एस में कोई सिमेट्री नहीं है एंड जेड में कोई सिमेट्री नहीं है। ओके, लेट्स सी सम ज्योमेट्रिकल सिमेट्री। यहाँ पे हमें कुछ ज्योमेट्रिकल सिमेट्री भी दी गई है। तो पहली है हमारी इक्विलैटरल ट्राइंगल, सेकेंड है आइसोस्केल ट्राइंगल, थर्ड है रेक्टेंगल। नाउ आगे क्या है? आगे है हमारी स्क्वायर, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ओवल, सर्कल एंड काइट। ओके, लेट्स सी द क्रिएटिंग सिमेट्री ऑफ क्रिएटिंग सिमेट्रिकल शेप्स। ओके, सिमेट्रिकल शेप्स कैसे बनाते हैं, लेट्स सी। ठीक है, तो अगर हम किसी, मान लीजिए हमारे पास एक पेपर है, एक पेपर में हम किसी मिड पॉइंट पे एक डॉट इंक डाल देते हैं, फिर उस पॉइंट से उस जहाँ पे आपने डॉट एक इंक डाली है
इंक का डॉट डाला हुआ है उससे उस पेपर को फोल्ड करते हैं, फिर और हल्का सा प्रेस करते हैं, और फिर उसके जब हम उस पेपर को ओपन करेंगे तो उसमें जिस तरीके का फिगर ड्रॉ होगा वो सिमेट्रिकल फिगर होगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है, लाइक दिस। टेक अ पीस ऑफ अ पेपर फोल्ड इन हाफ, स्पिल अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक ऑन ऑन वन हाफ साइड, नाउ प्रेस द हाफ टुगेदर, वॉट यू कैन सी इन द रिजल्टिंग फिगर सिमेट्री, इफ यस वेयर इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, इज देयर एनी अदर लाइन अलॉन्ग विच इट कैन बी फोल्डेड टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल पार्ट्स। ओके, अब नाउ सी की यूजिंग इंक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हम किसी इंक स्ट्रिंग के यूज से एक सिमेट्री कैसे बना सकते हैं। फिर अगेन अगर हम किसी पेपर पे एक इंक स्ट्रिंग रखते हैं और उसको फोल्ड करते हैं और स्ट्रिंग को बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद जब आप पेपर ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की सिमेट्री दिखाई देगी, कुछ इस तरीके के शेप्स बन जाते हैं जिसमें कुछ एक डिफाइंड सिमेट्री होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं, आइडेंटिफाई द शेप्स गिवन बिलो, चेक वेदर दे आर सिमेट्री और नॉट, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल। ओके, तो ये आप क्वेश्चन आप घर पे लगाइए, आपको समझ में आएगा सिमेट्री के बारे में। अब देखते हैं हमारा रिफ्लेक्शन सिमेट्री, एनी इन एनी ज्योमेट्रिकल फिगर इफ देयर एग्जिस्ट अ लाइन अबाउट विच इट कैन बी फोल्डेड सच दैट द टू इक्वल पार्ट्स ऑफ द फिगर आर आइडेंटिकल एंड कॉइंसाइड विच वन अदर, देन इट इज सेट टू हैव अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ओके, अगर हम किसी मान लीजिए कभी हम लोग कलर करते हैं, कोई चीज़ कलर करी और उसको बिना वो सूखे हम लोगों ने बुक बंद कर दी और उसके बाद जब बुक ओपन करते हैं तो सेम फिगर दूसरे पेपर पे दूसरे साइड पे छप जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब ये रिफ्लेक्शन लाइन क्या होती है, इफ क्यू इज द इमेज ऑफ पी अपॉन रिफ्लेक्शन इन द मिरर एम, देन द लाइन एम इन द परपर्टिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, द लाइन एम इज कॉल्ड द मिरर लाइन ऑफ द रिफ्लेक्शन लाइन। जैसे हमें यहाँ पे एक दिया गया है, ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है एम, और ये हमारा एक लाइन दी गई थी। ये पी इज द मिरर इमेज ऑफ क्यू या क्यू इज द मिरर इमेज ऑफ पी, टू फाइंड द लाइन रिफ्लेक्शन, लाइन रिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द लाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन रिफ्लेक्शन बिटवीन द फिगर ए बी सी डी एंड इमेज ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे शायद थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन अलग दिया गया है बट फिगर में पी क्यू आर एस लिखा हुआ है, तो आप पी क्यू आर एस से भी इसको देख सकते हैं। तो ड्रॉ ए लाइन ज्वाइनिंग वन ऑफ द पॉइंट पी क्यू, अब हम अगर एक लाइन पी एंड पी को ज्वाइन कराते हैं और ये हमारा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ ए लाइन ज्वाइनिंग वन ऑफ द पी क्यू आर एस एंड इट्स इमेज, सपोज यू ड्रॉ पी एंड पी लाइक दिस, जो हमने बताया भी, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन रिफ्लेक्शन लाइन ऑफ द सिमेट्री, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कि रिफ्लेक्शन लाइन है। ठीक है, ड्रॉ रिफ्लेक्शन ऑफ अ फिगर, किसी भी फिगर का रिफ्लेक्शन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हम ग्राफ के यूज से भी कर सकते हैं और डॉट्स से भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दिए गए हैं जिनसे आप देख सकते हैं कि कैसे करना है। उसके बाद में एक एक्सरसाइज दी गई है आपको, ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इन गिवन लाइन मिरर लाइन, और यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, रिमेंबर जो एक्सरसाइज के बाद में आपको जो भी की पॉइंट्स या पेपर किसी भी चैप्टर के एंड में आपको जो की पॉइंट्स दिए जाते हैं वो आप बहुत अच्छे से पढ़िए, उनसे आपको आधे से ज़्यादा चैप्टर बहुत अच्छे से ईजिली समझ में आ जाएगा उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई थी, और ये चैप्टर को रिवाइज करने में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है, तो आप ये पॉइंट्स पढ़ना कभी ना भूलिए, इन पॉइंट्स को पढ़ने से आपको बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आ जाएगा कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था और किसमें क्या क्या होता था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं अच्छे तरीके से।
आगे देखते हैं। अब आगे हमें एक रिवीजन एक्सरसाइज भी दी गई है, इसको आप लगाइए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, दैट्स इट, इस चैप्टर में बस इतना ही था। अगेन ये चैप्टर भी प्रैक्टिकल बेसिस पे डिफरेंट है, प्रैक्टिकल बेसिस पे डिपेंडेंट है। आपको प्रैक्टिकल जब तक आप घर पे नहीं करेंगे, आपको ये क्वेश्चन इसके कम समझ में आएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप ये क्वेश्चन लगाइए घर में, ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। ओके, तो मैं आपसे फिर से मिलूंगी आपका अगला चैप्टर लेके, तब तक के लिए बाय।